नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राज्य स्तर पर वॉर रूम तैयार कर लिए हैं, जहां पर पार्टी के चुनाव कार्यक्रमों को लेकर बूथ स्तर पर दिशा निर्देश, सूचनाएं देने के साथ ही निगरानी और फीडबैक लिया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रत्येक जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर भी वॉर रूम स्थापित किए गए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रभारी कुमारी शैलजा ने वॉर रूम की कार्यप्रणाली पर संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि वॉर रूम की कार्यव्यवस्था से मैं संतुष्ट हूं। हम सारे वर्कर दिन रात 5 लोकसभा सीटों पर संपर्क स्थापित कर रहे हैं। वो सिर्फ प्रत्याशियों से ही संपर्क में नहीं है, बल्कि वो बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क स्थापित कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जिसको लेकर बूथ स्तर पर सभी कार्यकर्ता एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वॉर रूम पूरी तरह से कांग्रेस ने तैयार कर लिए हैं, जिसको लेकर कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वॉर रूम की कार्यव्यवस्था से वो पूरी तरह से संतुष्ट है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की भी उन्होंने जमकर सराहना की है। हर तरह से संपर्क साधने की कोशिश को लेकर कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं की सराहना की है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार पूरे दमखम से कार्यकर्ताओं के बीच जाकर उनमें जोश भरने का काम कर रही है। इसी क्रम में वॉर रूम की कार्यप्रणाली को लेकर कुमारी शैलजा ने कार्यकर्ताओं की सराहना की है और उन्हें प्रोत्साहित किया है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि वॉर रूम की कार्यव्यवस्था से वो पूरी तरह से संतुष्ट है, जिसको लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। कांग्रेस की ओर से लगातार उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर जीत का दावा करती हुई कुमारी शैलजा नजर आईं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की और लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। हमारी पार्टी ने पीसीसी में यहाँ जो कार्य व्यवस्था की है उसे मैं संतुष्ट हूँ। सब लोग पूरे मन से काम कर रहे हैं, दिन रात संपर्क में हैं। 5 के 5 हमारे संसदीय क्षेत्रों में ना केवल उम्मीदवारों से, कैंडिडेट से, लेकिन वहाँ पर लोकल वर्कर्स के साथ निरंतर इनकी बातचीत है, फीडबैक भी ले रहे हैं और पार्टी के कार्य के बारे में भी उनसे बातचीत चल रही है। और मुझे खुशी है कि हमारे वर्कर पूरी तरह से यहाँ पर समर्पित होकर फील्ड में भी, हेडक्वार्टर्स में भी। सोशल मीडिया के आने से चुनाव प्रचार की प्रक्रिया में काफी सहूलियत देखने को मिल रही है। लोग अब अपने राजकीय प्रतिनिधियों के प्रचार को सोशल मीडिया के माध्यम से देख लेते हैं। वहीं अब चुनाव प्रचार सोशल मीडिया के माध्यम से भी किया जाने लगा है। सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाने वाला प्रचार जन जन तक पहुंच जाता है, इसीलिए आजकल सभी राजनीतिक दल अपने अपने सोशल मीडिया को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। वहीं यदि बात करें उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल की, तो बीजेपी सोशल मीडिया में कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस मीडिया को ऑर्डिनेटर राजीव महर्षि ने इस बात से इंकार करते हुए कहा कि बीजेपी मोबाइल खेलती रहेगी और कांग्रेस बटन दबवाकर आगे बढ़ जाएगी। 2009 की पुनरावृत्ति इस बार फिर से दोहराई जाएगी। प्रधानमंत्री ने ऋषिकेश में खड़े होकर अंकिता भंडारी के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। सभी दल एक दूसरे से आगे बढ़ने का दावा करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं सोशल मीडिया की उपयोगिता पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए सोशल मीडिया को अहम हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी दल सोशल मीडिया अकाउंट्स को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इसकी वजह यही है कि सोशल मीडिया तेजी से और जन जन तक आसानी से पहुंच जाता है, जिससे चुनाव प्रचार में लोगों को सहूलियत मिलती है। यही कारण है कि सभी दल अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस की ओर से कहा गया कि बीजेपी मोबाइल खेलती रहेगी और कांग्रेस बटन दबाकर आगे निकल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन उन्होंने अंकिता भंडारी पर एक भी शब्द नहीं बोला।
देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है इससे कांग्रेस पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने हित की जो बात करना चाहे करे, लेकिन कांग्रेस अपनी बात करेगी। वो मोबाइल मोबाइल खेलते रहेंगे और हम बटन दबाकर आगे चल देंगे। तमाम जनता का ऐसा ही मानना है इस उत्तराखंड की, और हम पांचों सीट पर सफल होंगे, पांचों सीटें हम जीतेंगे। और ये पुनरावृत्ति जो है 2009 की होने वाली है उत्तराखंड में, हमारी पांचों सीट पर कांग्रेस पुनः जीतेगी, ये मेरा आपसे दावा है। जोशीमठ के डुमक गांव के लोग गांव में सड़क नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के प्रथम चरण के मतदान के लिए अब बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन जोशीमठ प्रखंड के डुमक गांव के लोगों की सड़क संबंधित समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिसको लेकर के ग्रामीण कई बार गांव में आंदोलन कर चुके हैं। बता दें कि इस बार ग्रामीणों ने तय किया है कि अगर उनकी सड़क की मांग को समय रहते ही पूर्ण नहीं की जाती है तो ग्रामीण चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। जोशीमठ के डुमक गांव से खबर है, जहां गांव में सड़क नहीं तो वोट नहीं अभियान तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों ने हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही सड़क नहीं बनवाई गई तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सड़क ना होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि सड़क ना होने से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जाहिर तौर पर यातायात प्रभावित होता है, जिसको लेकर डुमक गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। रोड नहीं तो वोट नहीं अभियान तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर सड़क नहीं बनवाई गई तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में रोड नहीं तो वोट नहीं के तहत लोगों ने प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक सड़क नहीं बन जाती है तब तक वो चुनाव में हिस्सा लेने की घोषणा नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सड़क नहीं बनती है तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। सड़क ना होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक सड़क नहीं बन जाती तब तक वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। तस्वीरें चमोली से हैं, जहां लोगों ने हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किया। संघर्ष विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष, और हम लोगों ने एक मुहिम चलाई आज कि हर गलियों में पोस्टर लगाए, और कल से हम लोग वॉल पेंटिंग का काम करेंगे और रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे से सारी गांव की गली को आच्छादित की। आज तक आशा थी हमें शासन प्रशासन विभाग से कि हमें रोड मिलेगी, लेकिन आज निराशाजनक होकर के हम चुनाव बहिष्कार करने का मुद्दा ठान लिया है, जिसके चलते महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, बड़े बुजुर्ग, जितने भी डुमक गांव में मतदाता हैं, सब लोगों ने एक ही चीज ठानी है कि आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। हमें आशा थी कि हमें रोड मिलेगी, लेकिन हम निराश होकर के अब हमने ऐसे महिला मंगल दलों ने ऐसे ठान लिया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। सब महिलाओं ने, युवक मंगल दलों ने, सब ने निराश होकर के ऐसे ठान दिया कि हम वोट नहीं देंगे। खबर चमोली से है, जहां रोड नहीं तो वोट नहीं के अंतर्गत अभियान तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि जब तक रोड नहीं बन जाती है तब तक वो मतदान के लिए तैयार नहीं होंगे। अब आपको सीधा अल्मोड़ा लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच जाकर रोड शो कर रहे हैं।
सब की आवाज आ रही है। आप लोगों ने तो गाड़ी में अच्छे से अपनी वो दिखा के इससे उतरना चाहिए। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी दल एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दिखाई दिए। इसी क्रम में कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गणेश गोदियाल का कहना है कि बीजेपी युवाओं में शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। गणेश गोदियाल की ओर से गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं, जहां शराब पिलाकर चुनाव जीतने का आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। गणेश गोदियाल कांग्रेस नेता हैं, जिन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने उनका कहना है कि शराब पिलाकर वो चुनाव जीतना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आखिर चुनाव जीतने के लिए उन्हीं तौर तरीकों पर आ गए जिन तौर तरीकों के लिए वो कुख्यात हैं। कल सुबह सुबह मुझे किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है, वहां परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहां अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहां भेजा कि आप लोग वहां पर पैरवी करिए और मैं तब तक
जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूं। अब आपको सीधा चमोली लिए चलते हैं, जहां राजनाथ सिंह जनता को संबोधित कर रहे हैं। श्री रघुवीर सिंह जी बेस्ट जिला सह प्रभारी, श्री रमेश गाड़िया जी, श्री महावीर सिंह जी पंवार, श्री गजेंद्र रावत, श्री विनोद नेगी जी, श्री समीर मिश्रा और इस सभा में यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं अनिल बरूली जी से चर्चा कर रहा था कि शायद इस स्थान पर इसके पहले भी किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आया हूं। इसके पहले कभी आया हूं कि नहीं आया? 22 में आया और फिर 24 में आ गया। मेरे बहनों भाइयों, जब भी आया हूं आप सब लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और आज भी आप लोगों ने फूलों के गुलदस्ते देकर, तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया है। लेकिन मैं इस सच्चाई को भी जानता हूं कि भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत अभिनंदन ये कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। यह उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भारतवासी रहते हैं वो लोग ही मानते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक उत्तराखंड के कण कण को देवताओं का आशीर्वाद मेरे बहन भाइयों प्राप्त है। यदि मैं कहूं कि उत्तराखंड की धरती या आध्यात्मिक भूमि है, अध्यात्म की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यदि कोई राज्य करता है तो वह उत्तराखंड राज्य करता है। अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है। यह काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, यह काम बड़े मन के ही लोग कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूं छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति में, मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना। पहले से पहले उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि वन रैंक वन पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए तो स्वयं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहेंगे और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि लागू किया जाना चाहिए और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी हमारी सरकार बनेगी तो हम वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन यह सुविधा लागू कर दी। और मैं कह सकता हूं कि आज तक 1,00,000 करोड़ के आसपास वन रैंक वन पेंशन के आधार पर हम लोगों ने लिया है। लेकिन सैनिकों के लिए 1,00,000 करोड़ का कोई महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है, जिंदगी से बड़ी अनमोल चीज मैं समझता हूं कि मानव जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। धन दौलत का कोई महत्व नहीं है, लेकिन लोगों ने भी सरकार चलाई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार।